नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो शबनम केस का झोल है वो काफ़ी सालों से चल रहा है। इस बीच अब शबनम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, यानी कि शबनम के मन में अब हलचल सी उठने लगी है कि किसी तरह से कैसे बाहर जाया जाए। तो दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि शबनम ने जेल में रस्सी मंगाया गया। वो रस्सी किस तरह का था, क्यों मंगाया गया, किसके द्वारा मंगाया गया, क्या मन में विचार है शबनम के, सब कुछ आपको बस दो मिनट के वीडियो में जानने को मिलेगा। उससे पहले, आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि शबनम जो है वो एक जो कह सकते हैं उसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए फांसी। आपको क्या लगता है, अगर भारत सरकार फांसी देना चाहती तो अभी तक क्या नहीं हो पाता? क्या मतलब इतने सालों से फांसी का इंतज़ार करते करते अभी तक जो फांसी नहीं हो पाई? सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पे लगता है कि शबनम ने एक दया याचिका दायर की और वो राज्यपाल के पास अभी तक पेंडिंग है, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई। इससे ये पता चलता है कि भारत का कानून जो है वो कितना बेबस है, वो कितना लाचार है, या कह सकते हैं कि जो सरकारें होती हैं वो कानून को अपने हिसाब से चलाती है। अगर उसको ज़रूरत पड़े आज इसको फांसी देना है तो मतलब आज देना है, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए उसको फांसी दिया ही जाएगा। तो ये जो होता है, ये भावनाएँ जो होती हैं वो एक नकारात्मक भावनाएं होती है, यानी कि ये दूसरे को पसंद नहीं आता और ये अपने फ़ायदे के लिए जब इस्तेमाल करती है तब वो कानून कानून नहीं रह जाता। तो इसीलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे चैनल के माध्यम से और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, वो भी सरकार को ज़रूर लिखें कि अगर शबनम को फांसी देना चाहिए तो आप उसे दे दो, इस तरह से लटकाने की ज़रूरत नहीं है। कितने सालों से शबनम के इस फैसले को लटकाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, सभी कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि फांसी होगी, तो फिर इतना ज़्यादा विलंब क्यों हो रहा है? राजनीतिक फायदे के लिए लोग कितना गिर सकते हैं, ये इस केस में और हर एक केस में ये नज़र आता रहता है कि आप राजनीति के लिए आप किसी को भी किसी भी तरह से नीचे गिरा सकते हो। देखते हैं अब आगे क्या अपडेट आता है। इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है यूपी में और ये जो इलेक्शन का अभियान है ये सब कुछ 10 मार्च को ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद क्या कुछ अपडेट आ सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।